नमस्कार दोस्तों, गांव वाला में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम हैं लहरिया सराय बस स्टैंड पर और ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आपको पूरा बस स्टैंड दिखाया जाए, क्योंकि यह बस स्टैंड पहले से काफ़ी बदल चुका है। और हमारी बात करें तो यहाँ पर हम वीडियो बनाने नहीं आए थे, हम आए थे DTO ऑफिस दरभंगा। हमें चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसके लिए अप्लाई करना था, यानी हमने अप्लाई किया हुआ था। स्लॉट हमारी आज की बुकिंग थी लर्निंग लाइसेंस के लिए। तो पहले बस स्टैंड देख लीजिए, फिर हम चलेंगे DTO ऑफिस। और यहाँ पे बस स्टैंड के आसपास मूत्रालय भी है, तो बास काफ़ी ज़्यादा आता है। जब आप बस स्टैंड तक पहुँचेंगे तब तक आपके नाक का बाल जर चुका होगा। और बस स्टैंड पर काफ़ी सुविधा हैं, पैसेंजर वेटिंग हॉल है, पूरा साफ सुथरा है, नया है। और जब आपको टॉयलेट या फिर बाथरूम जाना हो, हालांकि ज़्यादातर आदमी को पता नहीं है, टॉयलेट रास्ते पर ही कर देते हैं साइड में जाके गाड़ी के पीछे, लेकिन अगर आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे तो टॉयलेट जो है इस बस स्टैंड के ठीक आगे टावर चौक वाले रूट में है, वो भी अपने मतलब मधुबनी वाला यानी मिथिला वाला जो कलाकृति है उस पर उकेरी गई है, जो कि काफ़ी शानदार दिखती है, जिस वजह से आकर्षक दिखती है। और पूरा साफ सुथरा है, मॉडर्नाइजेशन जैसा है, मतलब पूरा मॉडर्न बाथरूम है। ठीक आगे हम आपको इसी वीडियो में जो है टावर चौक भी दिखाने वाले हैं। DTO ऑफिस तो आप देख ही पाएंगे, चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ से मुझे लगता है कि लगभग 60-70 किलो के मतलब दूरी के दरमियान में काफ़ी बसें चलती हैं, तो हमें तो कुशेश्वर स्थान जाना है, तो यहाँ से हम बस पकड़ सकते हैं। और इस समय जो है भाड़ा काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे 130 रुपये देना पड़ा। अगर हम वही चीज़ दरभंगा बेरचौक से दरभंगा जाते दरभंगा वाले रूट में तो 110 रुपये देना, 20 रुपया ज़्यादा हमें देना पड़ा। तो फाइनली हम पैसेंजर वेटिंग हॉल में आ चुके हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नाम का वेटिंग हॉल है, पैसेंजर को पता ही नहीं होता है कि पीछे वेटिंग हॉल भी है, क्योंकि आगे सारी बसें लगी हुई होती हैं, तो ये पूरा रास्ता जो है ब्लॉक हुआ रहता है। अब चलिए आपको बाथरूम दिखाते हैं। जब आप बस स्टैंड से बाहर निकलेंगे और दाहिने हाथ वाले साइड में जाएंगे तो काफ़ी सारे होटल हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। और ये रहा अपना शौचालय, सुलभ शौचालय। देखिए यहाँ पर चित्र उकेरी गई होंगी हमारी जो है मिथिला संस्कृति है। और ये रहा अपना टावर चौक, देखिए टावर चौक। अब चलिए चलते हैं DTO ऑफिस, ये है DTO ऑफिस। और देखिए इसी को, और इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं। आपके राय कमेंट में लिखिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।